धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मैं सदन में प्रस्तुत परक्राम लिखित संशोधन विधेयक 2017 का समर्थन करता हूं। इससे चेकों की विशिष्टता में वृद्धि होगी और इसमें जो अंतरिम मुआवजे का 20% देने का प्रावधान किया गया है, तो इससे जो बहुत समय लगता था मुकदमों में कि बहुत समय एक दीवानी जैसे मामले होते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है, तो इससे उसको शिकायतकर्ता को इससे राहत होगी और उसको लाभ होगा कि अगर उसको 20% उसके खाते में जमा हो जाता है तो उसको कम से कम कुछ तो राहत उससे महसूस होगी, फिर जब फैसला होगा तब उसको पूरी रकम मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये जो उसमें ब्याज सहित जो लौटाने का प्रावधान किया गया है कि जो वो दोष मुक्त हो जाएगा तो उसको ब्याज सहित लौटाला जाएगा, तो उसमें बैंक ब्याज का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी जब ऐसे मुकदमे जो इसमें हो जाते हैं तो वे प्रावधान तो अच्छा है, मैं केवल एक बात कह के अपनी बात को मैं विराम देना चाहता हूँ कि इसमें अपील पर भी जो 20% चेककर्ता को करके इससे भी गंभीरता उसी बढ़ेगी। मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इसमें एक चीज जरूर बैंकों को निर्देश होना चाहिए कि जो खाता खोलता है तो कम से कम वो उसका जो खाता खोल करके और वो उसके उसका एक बैंक का एक प्रावधान उसमें रहता है, तो उसमें कम से कम जिसका खाता हो उसको वो जरूर ध्यान दिलाने का काम करें कि कम से कम आपका चेक आया है, तो ऐसे छोटे छोटे मामलों में जो चेक बाउंस होते हैं उससे रुकावट आएगी, तो इसको जरूर ध्यान देना चाहिए कि बैंक उसको एक बार दो बार खाता जो जिसका खाता है उसको कम से कम वो कहे।